टुडेज टॉपिक इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन. द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए इक्वल्स टू एल रिटन एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज ए. इफ वी कैन मेक द वैल्यू ऑफ एक्स आर्बिट्ररी क्लोज टू एल बाई टेकिंग एक्स टू सफिशिएंटली क्लोज टू ए. कोई भी फंक्शन है उसको लिमिट अप्रोच कर रही है, एक्स इक्वल्स टू ए अप्रोच कर रही है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसको हम इक्वल्स टू एल के बराबर लेते हैं. तो अभी आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आ लिमिट. सपोज लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसको हम एल कंसिडर कर रहे हैं. और लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेज ए जी ऑफ एक्स जो सेकंड फंक्शन है उसको हम एम कंसिडर कर रहे हैं. तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. कोई भी फंक्शन है उसके वो लिमिट अप्रोच कर रही है, उसकी पावर के ऊपर आर है, तो हम सिंपली उसको फंक्शन को एल की पावर आर और आर कोमा ए इज़ अ रियल नंबर. सेम इसी तरह ये लिमिट कोई भी एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, तो हम उस कॉन्स्टेंट को पहले बार स्टार्ट पर कर देते हैं और लिमिट्स अगले फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं. सेम इसी तरह जब लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, कोई भी दो जो हैं वो सम हो रहे हैं फंक्शंस, तो हम सेपरेटली दोनों के ऊपर अलग-अलग लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं. सेम प्रोडक्ट के अंदर भी ऐसे करते हैं और सेम एज क्या कहते हैं कि जो डिवीजन के अंदर भी ऐसे ही यही अप्लाई कर देते हैं लिमिट. तो नेक्स्ट स्लाइड में ये कि क्वेश्चन है, अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी लिमिट है सॉरी, कोई फंक्शन के ऊपर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है, ऐसे उसको अप्रोचेज सी कर रही है, तो हम पहले क्या कहते हैं कि जो सम वाला रूल इस्तेमाल करते हुए एक्स के ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई होगी और वन के ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई होगी. तो दोनों में हम अलहदा लिमिट अप्लाई कर देंगे. फिर हम नेक्स्ट में एक्स एक्स की जगह पर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू थ्री, थ्री का स्क्वायर एक्स की जगह पर थ्री पुट कर देंगे. सेम एज लिमिट एक्स अप्रोचेज वन, और जो वन है ये कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसका जो लिमिट कॉन्स्टेंट की होती है वो कॉन्स्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती क्योंकि फंक्शन नहीं होता उसके साथ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है. इसके अंदर हम एक्स की जगह पे अभी लिमिट प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ देखा था कि कोई भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो हम दोनों पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई करते हैं. हमने फर्स्ट ऊपर वाले पे अलहदा लिमिट अप्लाई की और नीचे वाले अलहदा लिमिट अप्लाई की. अब हम एक्स की जगह पे जो है वो वन पुट कर देंगे. और नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि अब कोई भी फंक्शन अभी इसमें सब्ट्रैक्शन के अंदर लिमिट एक्स अप्रोचेज वन टू एक्स पे लहदा अप्लाई होगी, माइनस पे लहदा अप्लाई होगी. फिर टू एक्स के ऊपर है जो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो कोई भी कॉन्स्टेंट एक मल्टी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉन्स्टेंट बाहर रख लेते हैं और जो है लिमिट है वो फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं. सेम यही वही वाले रूल यूज़ किए हैं. रूल्स करने के बाद अब हम जो है लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स के ऊपर वन, एक्स इज टू वन अप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू वन ऊपर टू माइनस वन इधर हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट की लिमिट जो है वो ही रहता है. सेम इस तरह एक्स टू वन और थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री हो जाएगा, लिमिट कांस्टेंट है तो ये वन फाइव ही रहेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा वन अपॉन एट आंसर हो जाएगा. अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं और लिमिट अप्लाई करने के ऊपर हमें ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या ज़ीरो बाय इन्फिनिटी फॉर्म हमें ये अगर फॉर्म मिल रही होती हैं तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड होती हैं और ये इन्हें अनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं. तो हमारे पास टोटल सेवन टाइम्स वो अनडिटरमिनेट फॉर्म है जिनमें जीरो बाय ज़ीरो फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ज़ीरो बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो बाय ज़ीरो, वन ओवर इन्फिनिटी, ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म है. और जब जब भी हम लिमिट अप्लाई करने पे ये फॉर्म्स हमें मिलती हैं तो हम पहले उसको जिस तरह हमें इनडिटरमिनेट जो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म, अगर हम सिंपली एक्स अप्रोच कर रहे हैं माइनस फाइव को, अब हम एक्स की जगह पे अगर माइनस फाइव रखें, अगर हम एक्स की जगह पे माइनस फाइव रखें, एक्स की जगह पे माइनस फाइव रखें और माइनस फाइव प्लस फाइव ये ज़ीरो ऊपर भी ज़ीरो बन जाएगा और नीचे माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ये तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी. तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म से अब हम इस पर इसके ऊपर हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं, हम इसको जो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव है इसको हम फैक्टर कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ए इसको ब्रेक कर सकते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी. अब जब हम इसको ए ब्रेक करेंगे तो प्लस वाले दोनों टर्म्स नीचे जो हैं वो कट जाएंगी तो इधर बन जाएगी, फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और अब बन जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस फाइव. और हम सिंपल इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हमें, और काफ़ी बार ये होता है कि हम वो फैक्टर भी नहीं हो रहे तो फिर हम उसके ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं एल हॉस्पिटल यूज़ कर रहे होते हैं. बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि जब भी कोई हम लिमिट अप्लाई कर रहे हों
और एक्स बाय उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने के ऊपर हमें 0/0 फॉर्म या 0/∞ फॉर्म मिल रही हो, 0/∞ फॉर्म मिल रही हो, तो हम अगर कोई भी जो फंक्शन होता है हम उसके ऊपर लेशनल फंक्शन होता है हम उसके ऊपर ऊपर भी हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और नीचे भी हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। दिस डेरिवेटिव अलाउ टू परफॉर्म अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एंड इवेंचुअली एवैल्यूएट द लिमिट। ठीक है, रूल ये होते हैं कि चेक वेदर, तो पहले हम लिमिट अप्लाई करके चेक करते हैं, अगर वो 0/0 फॉर्म बन रही होती है तो फिर हम उसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं कि उसको फैक्टर यूज़ करें, फैक्टर से भी नहीं होता फिर हम एल हॉस्पिटल रूल भी यूज़ कर सकते हैं, फिर डिफ्रिशिएट करते हैं एफ ऑफ एक्स अलग फंक्शन को जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि अगर नीचे अपॉन में 0 आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी 1/0 जो होता है वो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। सेम एज नेक्स्ट स्लाइड में अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म सपोज़ करें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, हम जो ऊपर 5 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस टू जो होता है इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी हो जाता है, हम सेम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 7 × 3 ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे हमें आंसर जो मिलेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा। हम अगर हमें स्पेसिफाई किया हो कि अगर आपने इसके अंदर एल ऑपरेटर यूज़ करना है तो हम यूज़ करते हैं, नहीं तो हम पहले इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। सपोज़ करें यहाँ पे हमने अब ऊपर भी एक्स और नीचे भी एक्स ले लिया, हम अगर दोनों को काट दें तो सेम अमाउंट बन जाएगी, हमें एक्स लेने के ऊपर हमने इनको एलसीएम बिन के ब्रेक कर दिया, एलसीएम ब्रेक करने के ऊपर अभी हमने इसके ऊपर ये एक्स के साथ एक्स कट गया तो इधर 5 हो गया, सेम इस तरह 7 कट गया, और यहाँ पे नीचे अपॉन में एक्स आने से ये होता है कि 1/∞ इसको 0 हो जाता है, तो हमने मजीद सिंप्लीफिकेशन की जिसकी वजह से हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म थी, उसका आंसर हमने 5/7 निकली। और नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल ये है कि जब लिमिट एक्स अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कर सकती है, हमारे इन्फिनिटी की तरफ कर सकती है, अगर अपॉन में आ रहा है इन्फिनिटी तो दैट मीन्स का आंसर जो होता है वो 0 होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है जिसमें एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, तो हमने अगर इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर से ऊपर में से हायर पावर का जो है वो हायर पावर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, और नीचे वाले फंक्शन में से भी जो है वो हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइडेड बाय जो भी टर्म ऊपर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो या नीचे वाले टर्म्स को एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो, बात सिंपली एक ही है। अब ये हमने पढ़ा आगे रूल्स में प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब लिमिट एडिशन के अंदर या सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में अप्लाई हो रही हो तो हम हर किसी के ऊपर सेपरेट लिमिट अप्लाई करते हैं, हमने 3 पे भी लिमिट अप्लाई कर दी, 5 ओवर एक्स भी कर दी, लिमिट 1/x भी कर दी, लिमिट एक्स 2/x भी कर दी, सारे पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी। जो हमने ये पढ़ाया है कि जो कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन की लिमिट हो तो उस पर लिमिट अप्लाई होती नहीं, उसे हम ऐसे लिख देते हैं, अगर हम इस पर अप्लाई कर देंगे और अगर अपॉन में इन्फिनिटी आ जाए 5 ओवर इन्फिनिटी तो इसके थ्रू ये 0 फॉर्म बन जाती है। सेम एज ये है लिमिट 1 अप्रोच एक्स, अगर एक्स अप्रोच करा इन्फिनिटी को तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हम मजीद जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर जो बनता है वो बनता है -3/4। तो और मजीद इसके अंदर हम आगे जाते हैं तो अगर लिमिट होती है हमारे पास जो फंक्शन डिवाइड कुछ, नेक्स्ट में हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इक्वल टू एम, हम फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम कोई भी लिमिट है हम उसको अप्रोच करने के लिए हम पहले चेक कर रहे होते हैं कि लिमिट पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, इफ वी कैन मेक दी वैल्यू ऑफ एक्स आर्बिटर क्लोज टू एम होती है लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरी होती है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है वो ए नेगेटिव को अप्रोच कर रही होती है और राइट हैंड लिमिट जो होती है वो ए पॉजिटिव को अप्रोच कर रही होती है। तो हमारे पास एग्जाम्पल ये है, देख रहे हैं ये एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमें फाइंड लिमिट 3, इसमें हमें लिमिट फाइंड करनी है और जिसमें भी लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन आ रही हो, तो हम इसमें फर्स्ट वाले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड निकालते हैं, फिर राइट हैंड निकालते हैं, मगर यहाँ पर पहले राइट हैंड लिमिट निकाली हुई है, फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड निकाली हुई है, सेम ही है, जो राइट हैंड लिमिट होती है वो पॉजिटिव अप्रोच कर रही होती है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो नेगेटिव अप्रोच कर रही है, मैं 3 पॉजिटिव अप्रोच कर रही है। उसमें 3 पॉजिटिव की कंडीशन ये है कि जब भी एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा, यानी यहाँ 3 पॉजिटिव 3 से ज़्यादा होगी 3 नहीं होगी, तो हम उसकी जगह 2x फंक्शन लिखेंगे और 2x फंक्शन लिखने में जो 3 है हम इसके एक्स के अंदर पुट कर देंगे, हम आंसर सेम आ जाएगा। इसी तरह जब हम 3 नेगेटिव होगा तो मतलब कि वो इक्वल टू 3 कभी भी नहीं होगी, वो होगी लेस देन 3 या इक्वल टू 3 भी हो सकती है। तो हम इसके जब माने ऐसे ये हमारे ये हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया कि अगर जब भी एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो
हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा और हम एक्स की जगह पे ऊपर 3 रख के 3 स्क्वायर आंसर 9 आ जाएगा। हम इसी को देखते हुए आगे देखते हैं कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन, एक भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो कॉन्टीन्यूटी हम ऐसे चेक करते हैं कि पहले हम डायरेक्ट उसी फंक्शन के अंदर जो हमें पॉइंट दिया होता है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है एक्स टू ए, हम एक्स टू अगर ए उसमें पुट करें तो डिफाइंड हो, अगर वो डिफाइंड बन रहा है फिर हम उसकी लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। अब लिमिट अगर लेस देन इक्वल टू आ रहा है फिर हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं, राइट हैंड भी चेक करते हैं, वो सिंपल आ रहा है इज इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर ये हम डायरेक्ट फंक्शन पुट करके चेक करने पे वही आंसर आ रहा है और लिमिट पे भी सेम आंसर आता है तो अगर आंसर इक्वल होता है तो वो जो फंक्शन होता है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। एक एग्जांपल ये है कि हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि ये कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू टू। सिंपली हम पहले इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है हम इस फंक्शन में पहले हम करेंगे एफ इक्वल्स टू टू, जो पॉइंट है वो सेम पहले पुट करके देखेंगे, हम पुट करके हमारे पास आंसर ही आ गया। वो नीड टू लुक एट द लिमिट फॉर द राइट हैंड साइड एफ इक्वल्स टू टू फॉर एक्स ग्रेटर देन देन। अब हम इसके अंदर क्या कहते हैं एक्स नेगेटिव, अब हम इसके अंदर एक्स ग्रेटर देन टू यानी पॉजिटिव की लिमिट अप्लाई कर सकें, फिर हम इसमें जो है राइट हैंड लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे जिसमें एक्स इक्वल्स टू प्लस टू होगा। टू प्लस अप्लाई करने पर यहाँ पर कंडीशन दी हुई है इफ़ एक्स ग्रेटर देन टू होगा तो 3x-2 होगा, 3x-2 की जगह पे x की जगह पे हम 2 लिखेंगे। हम वी नीड टू लुक एट द लिमिट टू राइट हैंड साइड ऑफ x इक्वल्स टू 2 फॉर x ग्रेटर देन 2 द फंक्शन इज गिवन बाय 3x-2। मैं ये मीन्स के हम इसमें x जो जहाँ पे ग्रेटर देन 2 है तो वहाँ पर ये वाला फंक्शन आएगा तो हम इसको 2 प्ले पुट कर देंगे। इन द केस द लिमिट x इक्वल्स टू 2 डज नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एंड सो द फंक्शन इज नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि हमने डायरेक्ट जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की तो वहाँ पर जो आंसर आया वो 5 आया और जब हमने लिमिट अप्लाई की तो आंसर हमारा 4 आया और दोनों इक्वल नहीं थे, तो दैट मींस कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कंटिन्यूस है इसका 0 के ऊपर, ठीक है। हमने सिंपली सबसे पहले पता है कि हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर क्या दिया एफ इक्वल्स टू 0 अप्लाई किया, 0 अप्लाई करने के ऊपर इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो आंसर आया वो है 4। अब हम इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई 0 नेगेटिव लेस देन 0 के ऊपर हमारा फंक्शन है 4-x2, फिर हमने जब इस पर 0 अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4, ठीक है। मगर सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट हमने अप्लाई की एक्स ग्रेटर एक्स अप्रोच कर रहा है 0 नेगेटिव, मीन्स कि ये वाला फंक्शन यूज होगा जो लेस देन इक्वल टू का 4-x2। अब हमने 4-x2 किया और 0 इसके अंदर पुट किया तो हमारा आंसर 4 आया। अब हमारा सेकंड हमने राइट हैंड लिमिट अब चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट जो होती है वो पॉजिटिव को अप्रोच कर रही थी, पॉजिटिव को जो अप्रोच कर रही है तो हमारे पास फंक्शन है 4+x, 4+x के लिए हमने 0 इसके अंदर पुट किया और सिंपली हमारे पास जो आंसर जो था 4 आ रहा है। और हमने डायरेक्ट फंक्शन के अंदर 0 पुट करने पॉइंट पुट करने से भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी 4 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस है। थैंक यू।